ओके सो हम लोगों ने कल बेसिक चीजें पढ़ी थी इन द लास्ट सेशन. वन वाज प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम लोगों ने देखा था. कुछ बेसिक चीजें भी उसके ऊपर करी थी. द बेसिक थिंग विच वी विल बी डूइंग टूडे इज लाइक वी विल बी गोइंग फॉर द परमुटेशन. परमुटेशन हम लोगों ने कल भी बात किया था कि परमुटेशन कहाँ पे होता है. परमुटेशन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम लोगों को अरेंजमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है. किसी भी तरह का अरेंजमेंट उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस पर बात करेंगे. अरेंजमेंट में जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग दो अरेंजमेंट्स की बात करेंगे. एक हमारे पास अरेंजमेंट आएगा लीनियर अरेंजमेंट, यानी जो लाइन में अरेंजमेंट होता है, और एक अरेंजमेंट हम लोग बात करेंगे जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट तो किसी भी तरह से हो सकता है. नंबर टू इज सर्कुलर अरेंजमेंट. अब जब हम लीनियर अरेंजमेंट की जनरली बात करते हैं तो हम लोग वर्ड्स के जो अरेंजमेंट्स है वो लीनियर अरेंजमेंट होता है. नाउ हाउ डज दिस अरेंजमेंट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटर्स ऑफ द वर्ड. उसका रीजन ये है कि जैसे हमारे पास एक वर्ड है और इसी वर्ड को अगर हम लोग लेमन में कन्वर्ट कर दें सो वी कुड सी दैट इट इज हैविंग द सेम लेटर्स बट डिफरेंट वर्ड्स. सो अरेंजमेंट्स से हम लोगों के पास वी गेट टू डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग द सेम लेटर्स. दैट इज वाई अरेंजमेंट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स. एक और छोटी सी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, दैट इज टी. टी को उल्टा करें ईट एट, तो विद द थ्री सेम थ्री लेटर्स वी हैव मेड थ्री डिफरेंट वर्ड्स बाई अरेंजिंग इट इन ए डिफरेंट वे. सो दैट इज वाई अरेंजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट है तो हम लोगों को डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं जब हम लोग अरेंजमेंट्स की बात करते हैं. नाउ इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है नोटेशन, मतलब फॉर्मूला क्या है परमुटेशन का. नोटेशन इज NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. ये हमारे पास इसका नोटेशन. दिस नोटेशन इज द बैकबोन ऑफ परम्यूटेशन. इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी कई बार लिखते हैं, द सेम थिंग इज रिटर्न. लाइक हम लोग बी बाहर लिखते हैं एन आर, एंड इसका मतलब भी यही है कि इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. नाउ इस केस में ये जो एन है ये टोटल नंबर ऑफ थिंग्स की बात करता है. और ये जो R है ये बात करता है नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम. नाउ अब हमारे पास डिफरेंट परम्यूटेशंस रहती हैं तो हम लोग जब बात करते हैं, नंबर वन हम लोग पहले लीनियर परम्यूटेशंस की बात करेंगे या लीनियर अरेंजमेंट्स की बात करेंगे. लीनियर अरेंजमेंट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे बात करें तो सबसे पहला केस
Number one is if there are n number of things out of which r things are taken at a time, then number of possible arrangements are ये तो सीधा यही आएगा जो हमने ऊपर लिखा. नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर एनपीआर डेट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास नो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं फिर हम लोग आगे बात करते हैं. अब इसके ऊपर क्या बोला जाता है, द क्वेश्चन और एग्जांपल्स कैन बी टेकन इन अ डिफरेंट वे. लाइक हमारे पास क्या बोल रहा है, ये हमें बोलता है कि the number of three letter words from the letters of the word education is nine p three. अब ये नाइन पी थ्री क्यों लिया हम लोगों ने, सॉरी ये हमारे पास नंबर ऑफ थ्री लेटर वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडुकेशन इज नाइन पी थ्री. अब ये जो वर्ड्स बनेंगे ना, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट अरेंजमेंट्स वी विल बी टेकिंग. तो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स इन एडुकेशन कितने हैं, इट हैज हैविंग नाइन लेटर्स इन इट एंड आउट ऑफ दीज नाइन लेटर्स वी हैव टू अरेंज टेक आउट थ्री लेटर्स एंड देन वी हैव टू अरेंज. तो इट विल बी डन इन नाइन पी थ्री वेज. नाइन पी थ्री वेज का मतलब यहाँ पे आ गया नाइन फैक्टोरियल अपॉन नाइन माइनस थ्री फैक्टोरियल. It is 9 factorial upon 6 factorial and it is 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. This and this gone. ये आपके पास बन जाएगा 504. Now, इसी तरह से हम लोग एक और बात करते हैं. एग्जाम्पल टू ऑन द सेम थिंग, द नंबर ऑफ वेज फोर बॉयज कैन बी अरेंज्ड
in the first row of the class. Out of total 7 boys is 7p4, that is equals to, again इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग इट एज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 यानी 3 फैक्टोरियल. सो इट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 into 3 factorial divided by 3 factorial. This and this gone, and we are left with the answer, that is 840. So this is the answer for us. So is tarah se hum logon ke paas ye diya jata hai. Now ये तो आ गया जब हमारे पास आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स. अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम बात करते हैं आउट ऑफ एन. एक चीज मैंने यहां पे लिखना, हम इसको ना एन नंबर ऑफ थिंग्स की बजाय वी विल बी राइटिंग इट एज एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, मतलब अलग अलग सी चीजें. एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिमिलरली सेकंड अगर हम लोग बात करें सेकंड रूल की, तो इफ देयर आर n distinct things, out of which all things are taken at a time. Number of arrangements is ये आपके पास क्या देगा, this is NPN यानी n factorial upon n minus n factorial, that is equals to n factorial upon 0 factorial, or in nutshell it is n factorial only. कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास ऐसा बोला जाए the number of different words that can be made using letters of word earth is 5 factorial. So ye hamare paas seedha, because how many letters are there in earth, there are 5 letters in earth, aur jitne letters hain utne factorials hum directly likhenge. In the same way agar humse koi bole the number of ways seven boys can be seated
in the first row of the class. Is 7 factorials. तो यहां पे हमारे पास जो बात आएगी वो डायरेक्टली n फैक्टोरियल्स के ऊपर रहेगी. तो 7 लोग थे तो 7 लोगों के लिए हम लोगों ने डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल्स पे बात कर दी. सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू डू द थिंग्स. ये हमारे पास दिस इज रूल नंबर 2. दिस वॉज रूल नंबर 2. इसको आप नोट करिए दोनों को, फिर मैं नेक्स्ट रूल के ऊपर चलता हूं. अभी तक हम बात कर रहे थे डिस्टिंक्ट थिंग्स की. अब आप बात करेंगे अगर थिंग्स रिपीट हो रही हैं, तो इफ देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स आउट ऑफ विच P things are alike, and of one type, Q things are alike, and of second type. And so on, then number of possible arrangements are n factorial upon p factorial into q factorial into dash dash dash. अब इसमें जो है जितनी भी चीजें रिपीट हो रही हैं वो उतने फैक्टोरियल्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ वेज the letters of the word officer be arranged. Number of letter is 7. Number of repeating terms जो हैं, कौन कौन सी हैं? F ही हैं. तो number of F is 2. तो therefore possible arrangements. Is 7 factorial upon. तो आप इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर. फॉर दैट मैटर इन दिस केस इट इज 2520. नो लीनियर अरेंजमेंट में भी एक और चीज है जो हम लोग लेके चलते हैं. इफ इन अ वर्ड देयर आर
m number of vowels and n number of consonants, then इसमें दो बातें हो सकती हैं. Then total possible arrangements if a part all vowels come together is, अगर सारे vowels come together तो हम क्या करते हैं, हम इसको ध्यान से समझना, जो इकट्ठा होगा ना, जो चीज इकट्ठी होगी उसको हम लोग, जैसे vowels इकट्ठे हैं, vowels are coming together, तो दूसरे वाले में हम लोग एक ऐड कर देंगे, यानी इट इज n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल. और अगर ये यहां पे बोलता है ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टूगेदर, अगर ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आते हैं तो हम लोग किसको लेंगे, हम लोग वॉवल्स वाले को इकट्ठा पार्ट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टूगेदर, तो ये आ जाएगा एम प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल. तो यहां पे इन दोनों केसेस में हम इसका ध्यान रखेंगे कि हमारे पास किसको इकट्ठा करने को इन्होंने बोला है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग इसको ध्यान में लेके चलेंगे. तो काइंडली नोट दिस डाउन एंड देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें, तो इसको हम समझते हैं. सपोज एक सर्कल है और यहां पे देर आर सम पीपल हु आर सिटिंग इन दिस पैटर्न ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. देन देर इज अनदर फिर इन लोगों को यहां से उठाया गया और बोला गया नहीं आप एक काम करिए, आप यहां पे अपनी जगह को थोड़ा सा चेंज करिए. ठीक है, आप इसको यू राइट इट एज दिस इज
let's say A sits here, then B, then C, then D, then E, then F, G and H. अभी ये हमारे पास क्या है, दिस इज पैटर्न वन एंड दिस इज पैटर्न टू, अरेंजमेंट वन और अरेंजमेंट टू. देखने में कोई मुझे बोलेगा कि क्या ये दो अरेंजमेंट सेम है या अलग हैं, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये अरेंजमेंट सेम है बट इसमें पोजीशंस अलग अलग हैं. ठीक है, पोजीशंस इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी जगह भी चेंज कर दिया, लेकिन अरेंजमेंट सेम है. वाई अरेंजमेंट सेम है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ए की बात करें, ए का पड़ोसी यहाँ पर भी बी एंड एच ही था, नेक्स्ट अरेंजमेंट में भी अगेन ये बी और एच ही है, तो अरेंजमेंट सेम है. सिमिलरली बी के हिसाब से देखेंगे, सी के हिसाब से देखेंगे, किसी के हिसाब से भी देखेंगे, दे आर हैविंग द सेम पड़ोसीज इन द गिवन टू अरेंजमेंट्स. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम वो दो अरेंजमेंट्स को अलग कैसे कर सकते हैं, आप एक ही काम कर सकते हैं, आप किसी एक को फिक्स कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को फिक्स कर लिया, जब मैंने ए को फिक्स कर लिया, अब मैं किसी को भी जगह चेंज करता हूं, किसी की भी, इफ आई चेंज द प्लेस ऑफ एनी, ए को अगर मैं सेम रखूं, बाकी मैं किसी को भी चेंज कर दूं, ए की जगह पे सेम, बाकी आप इसको चेंज कर दीजिए, एच ले आइए इसकी जगह पे, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा और ये जी आ जाएगा. तो यू कुड सी दैट द अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स. तो ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गए. दीज टू आर P1, P2 are same arrangement, but P1 and P3 are different arrangements. Why? Because इस केस में if you see, तो ये जो मिस्टर A था, इसके हमारे नेबर्स चेंज हो गए. पहले इसके नेबर्स थे H and B, अब इसके नेबर्स हैं G and H. H was on the left side, right side and B was on the left side, but यहाँ पे अभी H on the left side and G on the right side हो गया. तो नेबर्स चेंज हो गए, यहाँ पे अगर आप देखें तो अरेंजमेंट चेंज हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग हमारे पास गिवन होते हैं उनमें से हम किसी एक को फिक्स कर लेते हैं और बाकी के लोगों को हम बिल्कुल नॉर्मल अरेंज करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि इफ इफ देयर आर n number of things. अच्छा, जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट्स करते हैं तो हमारे पास ना रेपिटेशन नहीं होती है, जनरली हम लोग उसको रेपिटेशन लेके नहीं चलते हैं. इफ देर आर n number of things out of which सिंपली लिख देते हैं, इफ देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड इन ए सर्कल देन नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इज n minus 1 factorial. So number of possible arrangements हमारे पास क्या जाएगा, n minus 1 factorial. यानी अगर 6 लोगों को arrange करें तो it will be 6 minus 1, 5 factorial. अगर 10 लोगों को arrange करें तो it will be 10 minus 1, 9 factorial. अब इसी के अंदर हमारे पास दो अलग अलग condition है. Now condition 1 और case 1. अब केस वन है हमारे पास, अभी कोई भी जो अरेंजमेंट्स है ना हमारे पास, वो अरेंजमेंट
हमेशा क्या रहता है, वो अरेंजमेंट हमेशा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रहता है। मतलब किसी भी अरेंजमेंट को आप दो तरह से अरेंज कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये हमारे पास दो अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अब इन्हीं दो को मान के चलते हैं, ये ए मैंने फिक्स्ड रखा हुआ और बाकी एच बी सी डी ई एफ एंड जी। तो आप ये जो दो अरेंजमेंट्स देखें, नंबर वन पी थ्री एंड पी फोर को अगर आप देखें, तो दे आर सेम अरेंजमेंट्स बट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट केस है, वो कहता है कि इफ इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट ये क्वेश्चन इसके ऊपर कभी कभी पूछा जाता है, तो आपने इसका बस ये ध्यान देना, इफ इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट देयर आर एन नंबर ऑफ पर्संस सच डेट such that there is at least one person who do not have same arrangement सेम सॉरी एटलीस्ट वन नहीं लिखते सो दैट देयर मस्ट नॉट बी सेम नेबर्स ऑफ द मेंबर्स मेंबर्स जो इसमें बैठे हैं इन एनी टू गिवन अरेंजमेंट्स is n minus 1 factorial upon 2 is n minus 1 factorial upon 2 ये arrangements आधे हो जाते हैं। क्यों आधे हो जाते हैं? Because हमारे पास, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जब कभी भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो अरेंजमेंट्स हैं, आधे अरेंजमेंट्स क्लॉकवाइज होते हैं और आधे अरेंजमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। यानी हम सेम अरेंजमेंट्स को क्लॉकवाइज में भी लिख सकते हैं और हम सेम अरेंजमेंट्स को एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ और यहाँ देखा। तो हम लोग इनमें से कोई एक अरेंजमेंट लेंगे, यानी हम लोग ये दोनों अरेंजमेंट नहीं लेंगे, बिकॉज ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में दे विल बी हैविंग द सेम नेबर्स।
तो इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे, इसलिए इट इज टेकन एज कि हम इस टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से हाफ ऑफ द अरेंजमेंट लेंगे, क्योंकि हाफ अरेंजमेंट्स क्लॉकवाइज होते हैं और हाफ अरेंजमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो हम दोनों में से कोई एक लेंगे, या तो क्लॉकवाइज वाले लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज वाले लेंगे, ठीक है। एंड इसी तरह से एक और है जिसमें हम सेम बात को लेके चलते हैं, डेट इज उसमें भी हम लोग सेम चीज को लेके चलेंगे। हमें बोलता है अगेन इफ देयर आर एन नंबर ऑफ फ्लोर्स, फ्लोर्स और बीट्स कुछ भी लिख लीजिए, एन नंबर ऑफ बीट्स यूज टू मेक अ गार्लैंड, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज अगेन इस केस में और इस केस में वी आर हैविंग द सेम, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज एन माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ आप यहां पे देखें, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे इन दोनों केसेस की, तो हमारे पास क्या है, ये जो मैंने ऊपर आपके पास केसेस बनाए, इन दोनों केसेस की अगर मैं बात करूं यहाँ की और यहाँ की, तो आप इन दोनों केसेस को देख सकते हैं कि यू कैन गेट द बिलो अरेंजमेंट जस्ट जस्ट बाय इसको इन्वर्ट करेंगे, यानी अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो हमें ऊपर वाला अरेंजमेंट मिल जाएगा, और सिमिलरली अगर हमें इसको अरेंज करना होगा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो हमें नीचे वाला अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो दिस विल गिव अस द बिलो वाला अरेंजमेंट, सिर्फ चेंज करने के ऊपर, इसको सिर्फ इसके डायरेक्शन को हमने ऐसे करके चेंज कर देना है, बस ऐसे करके अगर हम चेंज करेंगे तो हमें नीचे वाला अरेंजमेंट मिलेगा, और अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ऊपर वाला अरेंजमेंट मिलेगा, यानी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से आपको आधे अरेंजमेंट बनाएंगे, बाकी के आधे अरेंजमेंट को जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नेकलेस के केस में उल्टा करना पड़ेगा। बेसिकली ये गार्लैंड या नेकलेस की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, क्योंकि हमारे पास गार्लैंड इज ऑलवेज अ सर्कुलर थिंग, जब हम उसको लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, तो हम जस्ट उसको उल्टा चेंज कर देंगे, सो वी गेट द डिफरेंट अरेंजमेंट। सो दिस इज हाउ इट विल गो ऑन विद द थिंग्स। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट्स कैसे लिए जाते हैं। तो आप इसको अगर हमारे पास बोलता है कि जैसे 7 बीड्स हैं हमारे पास, और बोलता है इसको यूज करके हमें एक नेकलेस बनाना है, तो हाउ मेनी वेज, इट विल बी 7 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 360 विल बी द आंसर। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से करेंगे, इसको आप नोट करें, फिर मैं आगे एक दो केसेस और आपसे डिस्कस करता हूँ ऑन परमुटेशंस। चलिए जी, अब आगे कई बार ये हमारे से बात करता है कि जैसे हम लोगों ने पीछे लीनियर अरेंजमेंट में चेक किया वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के लिए, तो ये कई बार बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बोल करता है, ये बोलता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं, इफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड, तो नंबर 1
if all boys sit together. देखिए जब ऑल बॉय सिट टूगेदर है ना तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये बी वन बी टू बी थ्री एंड बी फोर, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप है, दिस होल थिंग इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रुप, प्लस बाकी की हमारे साथ क्या है, देर आर फोर गर्ल्स, सॉरी बॉयज थ्री हैं, बॉयज आर थ्री, तो हमें थ्री बॉयज का एक ग्रुप बनाएंगे एंड देन गर्ल वन गर्ल टू गर्ल थ्री एंड गर्ल फोर, ये चार चीजें अलग हैं। तो टोटल हमारे पास फोर प्लस वन फाइव लोग हो जाएंगे। सो दीज फाइव, वही वैसे ही है जैसे हम लोग कंसोनेंट्स और वॉवल्स की बात कर रहे थे। तो पहले आपने ये जो आपने बॉयज को इकट्ठा बिठाया, आपने गर्ल्स में एक ऐड कर देना, और ये जो ऐड होता है हम इस ग्रुप को ऐड करके बोलते हैं, यानी इस ग्रुप को एक मान लेते हैं। सो देयर विल बी अरेंज्ड इन फाइव फैक्टोरियल वेज इनटू, जब हम बात करेंगे तो ये जो बॉयज हैं, दीज थ्री बॉयज, दीज कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन थ्री फैक्टोरियल्स, सो ये आएगा फाइव फैक्टोरियल इनटू थ्री फैक्टोरियल, तो दिस गिव्स अस द आंसर डायरेक्टली। नाउ सपोज ये बोलता है इफ ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, अब यही बात हम उल्टी कर देंगे, इफ ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पांच मिनट ये आएगा हमारे पास, गर्ल्स कितनी है फोर, ठीक है, और बॉयज कितने हैं थ्री, तो बॉयज में हम एक ऐड करेंगे, थ्री प्लस वन फैक्टोरियल इनटू फोर फैक्टोरियल, सो दिस गिव्स अस फोर फैक्टोरियल इनटू फोर फैक्टोरियल। अच्छा इसमें अब एक और बात ये पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है इसमें, एक बात ये पूछी जाती है कि अरेंजमेंट्स, इफ ऑल गर्ल्स या ऑल बॉयज, चलिए हम पहले बॉयज की बात करते हैं, इफ ऑल बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल अरेंजमेंट्स, माइनस टुगेदर वाले अरेंजमेंट्स, तो आप देखिए टोटल अरेंजमेंट्स कितने थे हमारे, ये चार लोग हैं, ये तीन तीन और बॉयज और फोर गर्ल्स हैं, तो टोटल आ जाएंगे सेवन फैक्टोरियल, माइनस व्हेन बॉयज वर सिटिंग टुगेदर इट विल बी फाइव फैक्टोरियल इनटू थ्री फैक्टोरियल, ये सेवन फैक्टोरियल कहां से आया, सेवन फैक्टोरियल इज टोटल सात लोगों का पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा, सेवन फैक्टोरियल होगा, सो दिस विल गिव अस द आंसर लाइक दिस। एंड फोर्थ सपोज If all girls do not sit together, ये पूछा जाता है, तो अब हम इसके लिए डायरेक्टली लिख लेंगे all girls do not sit together, so this becomes what, this becomes seven factorial total minus when all girls sit together four factorial into फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल, या देगा फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा।
तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक बार आपने समझ लिया, अब आप इसको डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो फॉर द लॉन्गर मेथड। और एक बोलता है कि इफ नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर या नो टू बॉयज सिट टुगेदर बोल देते हैं, वो थोड़ा सा नो टू बॉयज सिट टुगेदर। जब ये बोलता है नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो यहां पे हम ना जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शन इस बार किसके ऊपर है, बॉयज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम गर्ल्स को पहले बिठाएंगे। वी विल मेक दीज गर्ल्स टू सिट फर्स्ट। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, फोर गर्ल्स आर देयर। तो G1, G2, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उसको नहीं पहले बिठाना, दूसरे वालों को बिठाना है। G3 एंड G4 इस तरह से बिठाना है कि दे मेक स्पेसिस फॉर द बॉयज इन बिटवीन। जैसे ये ठीक है, अब यहां पे गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन फोर फैक्टोरियल वेज। गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन फोर फैक्टोरियल वेज, देन नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर बॉयज कितने रह गए, नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर बॉयज इज 5। देखें, 1, 2, 3, 4, 5 इज 5 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज 3। सो देयरफॉर पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, इज 5P3। 5 जगहों पे 3 बॉयज को बिठाना है, सो इट विल बी 5P3। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, 5P3। और टोटल, अब टोटल अरेंजमेंट्स की बात करेंगे ना, तो गर्ल्स एंड बॉयज के कंबाइंड अरेंजमेंट्स की बात होगी कि गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5P3 वेज। सो माय फाइनल आंसर इज 4 फैक्टोरियल इनटू 5P3। तो यहां पे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज किया कि भाई पहली चीज को हमने 4 फैक्टोरियल वेज में किया, दूसरी चीज को हमने 5P3 वेज में किया, तो ये दोनों चीजें टुगेदर कुड बी डन इन 4 फैक्टोरियल इनटू 5P3 वेज। सो इससे हम लोगों ने डिफरेंट केसेस को या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हमने देखा जो हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। काइंडली यू गो थ्रू ऑल दिस थिंग, जो भी आज हमने पढ़ा इसको अच्छे से देखें समझें, इसको एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा, एंड कल फिर हम इसके आगे करेंगे और एक और टाइप हम लोग करेंगे, एंड देन वी गो टू द क्वेश्चंस ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, कम्बिनेशन एकदम से होता है, कम्बिनेशन इज वेरी इजियर बिकॉज आपका परमुटेशन का बेस बन चुका होता है, तो कम्बिनेशन डजंट टेक मच टाइम। तो इसलिए परमुटेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि कम्बिनेशन में हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप इतना ही रखते हैं आज इसको, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इन द मीन टाइम गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड विल मीट एट द सेम टाइम जो हमारा नॉर्मल टाइमिंग है, और हम उसी में ही क्लास को आगे कंडक्ट करेंगे। तो गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन अहेड ऑफ इट। बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद। जय जय सर। बंद देखें।